पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अमरोहा के गजरौला में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। एमडीए की टीम ने कई अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया, साथ ही कॉलोनाइजर को हिदायत दी कि बिना लेआउट पास कराए अगर कहीं भी अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जाता है तो उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। उधर एमडीए की टीम को देखकर भूमाफिया रफू चक्कर हो गए। एमडीए के एई का कहना है कि अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि कुमराला तिराहे के पास लगभग 10 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर एमडीए की टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। अवैध प्लॉटिंग नगर के ही एक बड़े बसपा नेता की है। हालांकि कार्रवाई से पूर्व बसपा नेता वहां मौजूद था, लेकिन एमडीए की टीम पहुंचते ही वो रफू चक्कर हो गया। इसके साथ ही एमडीए के आसपास की कई अन्य अवैध प्लॉटिंग पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। एमडीए की नगर में आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। उधर इस मामले में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के ई निर्देश तोमर का कहना है कि जो भी कॉलोनी बिना लेआउट या नक्शा पास कराए निर्माण की जा रही है, ऐसी अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया है। साथ ही बताया कि अवैध कॉलोनियों पर हस्तीकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अवैध कॉलोनियां वही मामला। आज कितनी कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई? आज तो गिनती बाद में होगी। आज बहुत सारी फाइलें हैं, जब सारा टाइम अगर रहा तो सारी ही करेंगे, तो आज गिनती बता सकते हैं। देखा जा रहा आप लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, आखिर इनको हौसले ऐसे कैसे बुलंद, लगातार कार्रवाई के बाद भी ये जो सख्त रहेंगे? हौसले पुराने हौसले बुलंद हैं। पहले कुछ बहुत ज़्यादा कार्रवाई हो नहीं पाई इनके खिलाफ़, कार्रवाई तो होती रही हैं, लेकिन हमारे उपाध्यक्ष महोदय की जीरो टॉलरेंस वाली जो नीति है उसमें पहले भी मैं कह चुका हूँ कि कोई रियायत किसी को नहीं है, तो अभी तो ये चलती रहेंगी। कार्रवाई के पीछे कारण क्या है, मतलब कार्रवाई क्यों की जा रही है, क्या कारण? मैंने पहले भी बताया कि ये लोग सब अवैध कॉलोनी विकसित करते हैं और गरीब आदमियों को बेच देते हैं। इस कॉलोनी में ना उस आदमी का बाद में नक्शा पास हो पाएगा, हमेशा उसका अवैध रहेगा, अवैध रहेगा तो उस पर कार्रवाई प्राधिकरण करता रहेगा। तो ये उन गरीब आदमियों को इनके चंगुल से बचाने का है। हमारा उद्देश्य किसी गरीब आदमी को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये जो कॉलोनाइजर हैं इन्हें सबक देना है कि आप ये काम बंद कर दें, आप आइए लेआउट जमा कराइए, स्वीकृत कराइए हमसे, और फिर आप काटिए, तो जनता भी खुश हो जाएगी, ठगी तो नहीं जाएगी इन लोगों के हाथों। अच्छा, आज इतनी बड़ी जो कार्रवाई की गई है, सबसे बड़ी है, इस पर क्या कहेंगे? अभी हाँ, आज बड़ी कार्रवाई है, अगली कार्रवाई इससे भी बड़ी देखेंगे, और भी बड़ी। ये लोग करते रहेंगे, ये जितना बड़ा करते रहेंगे हम इनसे बड़ा करते रहेंगे। अच्छा सर, एमडीए के द्वारा भी कुछ एक बोर्ड लगाया गया था जिसमें जो बंधक प्लॉट थे वो ना बेचे जाएं, एक जो डीलर हैं उन्होंने ऐसा कर दिया, मतलब बेच दिए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ जो बंधक उन्होंने प्लॉट बेचे हैं वो सीधा 420 का है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी फाइल पे देख रहे हैं क्या है, कि उसका डेवलपमेंट अभी की क्या पोजिशन है। अगर उसने वो सब पूरा नहीं किया तो उसके खिलाफ FIR होगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।